Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to learn a very nice story, Sundari. Sundari, class 1st, unit 7. So let's learn some word meaning first so that we can understand the chapter very well. Okay, let's start. Big. Big means bada. Kite. Kite means patang. Made. Made means banaya. Make means banana. Made means banaya. Smiled. Smiled means muskuraya. Smile means muskurana. Smiled means muskuraya. Beautiful. Beautiful means sundar. Call. Call means bulana. कॉल हम किसी को फ़ोन लगाते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं ना कॉल, उसको भी कॉल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका मीन्स बुलाना है, ठीक है, ये स्टोरी में। फेयर. फेयर मीन्स मेला। आप लोग मेले में जाते हो ना मम्मी डैडी के साथ, भाई। एवरीवन. एवरीवन मीन्स हर कोई। मेरी गो राउंड. मेरी गो राउंड मीन्स गोल झूला, जो आपने पोएम भी पढ़ी है ना, मेरी गो राउंड है ना, तो वही गोल झूला जिसपे वुडन के एनिमल्स बने होते हैं ना, हॉर्स, उस पर बैठ के बच्चे झूलते हैं, उस झूले को जो गोल गोल जाता है, गोल गोल घूमता है ना, राउंड एंड राउंड, उसको बोलते हैं मेरी गो राउंड। ओके. ट्यून. ट्यून मीन्स धुन, जैसे म्यूजिक होते हैं ना, छोटे छोटे से ट्यूनिंग ट्यून्स निकलती हैं उसमें से, है ना, उसको बोलते हैं धुन हिंदी में। कैरी. कैरी मीन्स ले जाना। राउंड. राउंड मीन्स गोल। वुडन. वुडन मीन्स लकड़ी का। वुड मीन्स लकड़ी और वुडन मीन्स लकड़ी से बना हुआ, वुडन, जैसे वुडन टेबल या वुडन हॉर्स, ठीक है, लकड़ी का घोड़ा या लकड़ी की टेबल, इस टाइप से। ओके. एनिमल. एनिमल मीन्स जानवर। लुक्ड. लुक्ड मीन्स देखा। लुक मीन्स देखना, लुक्ड मीन्स देखा। ओपन. ओपन मीन्स खुले। स्पेस. स्पेस मीन्स जगह। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, इसको ऐसे बोलेंगे साथ में, ओपन स्पेस। ओपन स्पेस मीन्स खुली जगह। ओके. फ्लाई. फ्लाई मीन्स उड़ना। ग्रास. ग्रास मीन्स घास, पार्क में होती है ना ग्रीन ग्रीन ग्रास। होल्डिंग अप. होल्डिंग अप मीन्स पकड़े हुए या पकड़ते हुए। हाई. हाई मीन्स ऊंचा। विंड. विंड मीन्स हवा। स्टार्टेड. स्टार्टेड मीन्स शुरू कर दिया। टेल. टेल मीन्स पूंछ, से डॉगी की पूंछ होती है ना, कैट की पूंछ, पूंछ। माउथ. माउथ मीन्स मुंह। शूड. शूड मीन्स डराकर भगाना, डॉगी को हम डरा के भगाते हैं ना, उसको बोलते हैं शूड। लीप्ड. लीप्ड मीन्स उछलना। टक्ड. टक्ड मीन्स जोर से खींचना या जोर से खींचा या झटका देना, ठीक है। स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मीन्स डोर या रस्सी या कोई धागा, जैसे जिसके पतंग बंधी रहती है ना, स्ट्रिंग, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, डोर। लेट्स स्टार्ट स्टोरी सुंदरी। रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। सुंदरी एक बड़ी लाल सफेद और नीले रंग की पतंग थी। व्हेन बॉबी मेड हर शी स्माइल्ड एट हिम। जब बॉबी ने उसे बनाया, उसने उसको देखकर स्माइल किया, मीन्स पतंग ने उसको देखकर स्माइल किया, बॉबी को देखकर। शी स्माइल्ड मीन्स उसने स्माइल किया, एट हिम मतलब उसको देखकर, बॉबी ने, बॉबी को देखकर उसने स्माइल किया। यू आर ब्यूटिफुल. आप सुंदर हो, मतलब बॉबी ने बोला तुम सुंदर हो। यू आर ब्यूटिफुल, तुम सुंदर हो। एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, और मैं तुम्हें सुंदरी बुलाऊंगा।
क्योंकि वो सुंदर थी इसीलिए सुंदर से उसने उसका नाम सुंदरी रख दिया। तो उसने क्या बोला, आई विल कॉल यू सुंदरी, तो मैं तुम्हें सुंदरी बुलाऊंगा क्योंकि तुम सुंदर हो, है ना। ही सैट, उसने कहा। वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर, एक दिन बॉबी सुंदरी को मेले में ले गया। द बैंड वॉज प्लेइंग, बाजा बज रहा था, एंड एवरीवन वॉज स्माइलिंग, और हर कोई स्माइल कर रहा था, हर कोई मुस्करा रहा था। अ मेरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून, जो मेरी गो राउंड झूला था उस पर एक खुशी वाली छोटी सी धुन बज रही थी। धुन मतलब ट्यूनिंग रहती ना म्यूज़िक, वो बहुत ही प्लेजेंट था, तो बहुत ही अच्छा म्यूज़िक उस पर बज रहा था, छोटी एक खुशी वाली छोटी धुन उस पर बज रही थी मैरी गो राउंड जब चल रहा था, ठीक है। इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स, और यह अपने ऊपर बहुत से लड़के और लड़कियों को गोल गोल झूला रहा था, जो कि लकड़ी के बने हुए एनिमल्स पर बैठे हुए थे। बहुत सारे लड़के लड़कियां थे जो उस पे हॉर्स रहते हैं ना, वुडन हॉर्स, लकड़ी के बने हुए हॉर्स रहते हैं ना झूले पर, उस पर बैठे हुए थे और उनको गोल गोल वो झूला जो है उनको झूला रहा था। बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस, बॉबी ने एक खुली हुई जगह ढूंढी। लुक्ड फॉर मीन्स मतलब ढूंढना किसी चीज़ को, तो ऐसे बोलते हैं ढूंढना, लुक्ड फॉर, ठीक है। तो बॉबी ने एक खुली हुई जगह देखी, वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट, जहाँ पर वो भाग सके और अपनी पतंग को उड़ा सके। सुंदरी लुक्ड टू, सुंदरी ने भी देखा, ठीक है। आउट इन द ग्रास रैन बॉबी, घास में बॉबी भागा। होल्डिंग अप हिज काइट, होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड, अपनी पतंग को उतना ऊंचा रखा उसने, उतना ऊंचा पकड़ा जितना कि वो पकड़ सकता था, क्योंकि उसको पतंग उड़ानी थी ना इसलिए, ठीक है। तो उसने घास में बॉबी भागा अपनी पतंग को उतना ऊंचा पकड़े हुए जितना कि वो पकड़ सकता था, ठीक है। पफ, द विंड केम अलोंग, पफ हवा भी साथ में आई, मतलब विंड साउंड होती है ना हवा की, तो उसको बोला है पफ। पफ द विंड केम अलोंग, हवा भी साथ में आई। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप, सुंदरी उड़ने लगी, सुंदरी ने उड़ना शुरू कर दिया, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, सुंदरी ने उड़ना शुरू कर दिया। बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, बट वह बहुत ऊंचा नहीं जा सकी, कुड नॉट मतलब नहीं जा सकी, ठीक है। अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल, एक छोटे कुत्ते ने उसकी पूंछ को पकड़े हुए था। इट वॉज इन हिज माउथ, यह उसके मुंह में थी। लुक एट द पिक्चर, यहाँ पे देखो ये जो काइट की जो टेल है इसको डॉगी ने पकड़ा हुआ है, तो सुंदरी जो है ऊपर नहीं जा पा रही थी क्योंकि डॉगी ने उसको होल्ड किया हुआ था ना अपने माउथ में, इसलिए। बॉबी शूट द डॉग अवे, बॉबी ने कुत्ते को डराकर भगा दिया। विल ट्राई अगेन, देखो इसमें लिखा है विल, तो विल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वी विल, ठीक है। तो वी विल को हम शॉर्ट में ऐसे लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। विल ट्राई अगेन, हम दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा कोशिश करेंगे, हम दोबारा कोशिश करेंगे। बॉबी सेड, बॉबी ने कहा। दिस टाइम बॉबी लीप्ड अप, सॉरी दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर, इस समय सुंदरी हवा में उछल गई। अप मतलब ऊपर, इस समय सुंदरी ऊपर हवा में उछल गई। शी टक्ड हार्ड, और वह बहुत ज़ोर से खिंचाव दिया उसने, मतलब ऊपर की साइड ना, मतलब शी टक्ड हार्ड, उसने जोर से ऊपर की साइड झटका लिया। ओ हाउ शी वॉन्टेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग, ओ कैसे वो बॉबी को, वो चाहती थी
शी वॉन्टेड बॉबी, वो चाहती थी कि बॉबी उसकी स्ट्रिंग को, उसकी रस्सी को और ऊपर जाने दे. लेट हर गो मतलब लेट मू मतलब जाने दे वो उसको, ठीक है, उसकी स्ट्रिंग को और ऊपर जाने दे. ओके, तो वो चाहती थी, शी वॉन्टेड बॉबी, वो चाहती थी कि बॉबी उसकी स्ट्रिंग को और ऊपर जाने दे. शी गेव अ बिग टक, और उसने एक जोर से खिंचाव दिया. बॉबी हैड टू लेट हर गो, बॉबी ने उसको, बॉबी हैड टू लेट हर गो, बॉबी को उसको ऊपर जाने देना पड़ा, मतलब बॉबी ने उसको ऊपर जाने दिया. वी, सुंदरी क्राइड, तो बच्चों उसने साउंड किए, मतलब सुंदरी ने, जैसे हवा और कागज़ का जो साउंड रहता है ना हवा में जब हम पतंग उड़ाते हैं, तो कैसे सुंदरी ने चिल्लाया, वी, नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज, अब मैं उतना ऊंचा उड़ सकती हूँ जितना कि मेरा मन है, है ना. सुंदरी चिल्लाई खुशी से, उसने कहा वी, नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज प्लीज, जितना मेरा ऊंचा मन है उतना ऊंचा मैं उड़ सकती हूँ. एंड अवे शी वेंट, और वह ऊपर चली गई. शी फ्लू अप 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 इन द एयर, और वह ऊपर उड़ती रही, और ऊपर हवा में उड़ती रही. तो बच्चों ये आपका चैप्टर था. इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक एंड कमेंट. इफ़ यू वॉन्ट टू गिव मी एनी सजेशन यू कैन राइट इन योर इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू, बाय बाय.